एक्चुअली एंटायरली डिफरेंटली। और नसीरुद्दीन अलामा इनकी मैंने चीज़ सर से नज़र देखा इस बात को, दरवेश नासी को, दरवेश नासी को गुलाम कादर साहब ने अपने रंग में इंतहाई मेहनत के साथ, बड़े गौर व फिक्र के साथ एक एक लफ्ज़ चुन कर, जैसे वो मुंदरी होती है थेवा उसमें डालते हैं हम इसके अंदर कौन सा लफ्ज़ फिट आता है, तो ऐसे उन्होंने लफ्ज़ उठा उठा कर देख देख कर उसमें प्रोए हैं। और ये बड़ा मेहनत का काम किया है, इंतहाई मेहनत का। इस पर अब मुखसरन 5 मिनट में तो बात करना बड़ा ही मुश्किल है, तो मैं थोड़ा सा तसव्वुफ़ के वादे से अच्छा ये मैं जरूर कहूँगा कि ये किताब आप जरूर पढ़ें, प्लीज़ इसको टाइम दें जी, आपको बहुत कुछ दिखा देगी। हम जो लोग दुनिया में फंसे होते हैं 24 घंटे, ये दुनिया में जो हमारी हैसियत है ना वजूद की, इंसानी की, ये तो एक कतरे के बराबर भी नहीं बल्कि एक जरे से भी कम है। जो इन साइड जो आपका अंदर है बादल, बादल जलाई और हिमालय, जो आपकी जो धरती है जिसे आप पहाड़ जो इलाका है हमारा गिलगित बल्तिस्तान, इसकी कंठ पर, इसकी बैक पर हिंदुकश कुराक्रम और मतलब ये हमारे क्या कहते हैं हिमालय, तो ये एक बहुत हमारे लिए इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी नेमत है। और इसको समझना चाहिए, क्या समझना कैसे होता है, हमारे मियां मोहम्मद बख्श कहते हैं इल्मे कारण दुनिया औरते आमन है इंसाना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी नीड व्हाट वी नीड नॉलेज, इल्मे कारण दुनिया औरते आमन है इंसाना, समझे इल्म वजूद अपने नु नेते वांग है वा। ये सब गुरु का शेर है, सब गुरु किताब जो मियां मोहम्मद बख्श ने लिखी है हमारे पंजाब के बाबा फिशकरगंज से लेकर बुल्ले शाह तक, तो वो तो कहते हैं कि अपने वजूद को समझो, मन अरफा नफ्सो अरफा रब्बो, ये बात कहते हैं। अब इस बात को अलामा साहब कहते हैं कि तब समझ आती है बात जब आप अपनी मैं को माने। ये मैं का क्या है कि जो पूरा निजाम है हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ, जिस सारी रोशनी है सब कुछ जो है, ये मैं को उभारने के लिए है, जितना मीडिया है, जितना हमारा एक निजाम है दुनिया में कैपिटलिज्म जो है, ये बेसिकली मैं को उछालने के लिए, पंजाबी में कहते हैं छज में डालकर ना चीजों को उछालते हैं ऊपर, उछालते हैं। तो ये जो मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व्हाटएवर यू नो, ये हमें सबके सब ये बता रहा है कि ये लो ये लो ये लो, और इस मैं को चमकाओ, ये कहते हैं मैं को मारो। अब मैं को मारना कैसे है कि रब से इश्क करके मारना होता है, मैं को चाहिए इश्क सिपाही ऐसा जरा मैं मार दबावे, थाना कड़ तबीयत वाला सिफता सब बदलावे, सो वी नीड सच अ सोल्जर और अ सोल्जर ब्रेव सोल्जर, केड़ा सोल्जर इश्क लाई वाला इश्क हकीकी वाला, वो इश्क हकीकी है क्या। तो ये इंसान का एक सफर है कुल से जुद की तरफ, कुल मीन होल वननेस, उसमें से आप एक अलग, जैसे मियां मोहम्मद बख्श कहते हैं चार तबादी तोड़ बुराई वकीते मुड़ पेड़े मुटो इको जिरस मोहम्मद अगो फर्क निखेड़े, के चार एलिमेंट्स हैं अग वार मिट्टी पानी, इससे आटा गूंदा गया है, उसमें से पेड़े बनाए गए हैं, ये सब पेड़े बैठे हुए सात रंग सात दुनिया के सारे पेड़े हैं। और जो कंसेप्ट है इस पेड़े का वो क्या है, जुज की बात करो, जुज से हमने सफर करना, इंडिविजुअल हर इंसान के अंदर वो जात मौजूद है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरा खोलन ना जाड़ दे इस विद रेड कंगाल, तमाम के तमाम सात इंसान इसके अंदर राबित मौजूद है इसके अंदर, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ऊंची जात क्या है उसके अंदर है और नीची जात उसके अंदर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब दिमाग की बातें हैं, ये प्रोडक्ट्स लोग बेचते हैं अपने बराबरा कर कि जिन वो ये है ये कोई ऐसा, ओ भाई सब इंसान बराबर है, क्यों कि उसके हर इंसान के अंदर वो जात मौजूद है, गठड़ी बन के इंसान बाहर आता है, गठड़ी माँ के जब पेट से इंसान बाहर आता है गठड़ी से आता है, तो उसके अंदर एक डायमंड मौजूद है, उसके जहर जो समझौर कहते हैं लाल, जो लाल जो है आपके इलाका खास करें तो बड़ा पड़ा है, उनमें से बहुत बड़े लाल आपकी जो है क्या कहते हैं हजरत अलामा साहब है, ये भी लाल जोहर थे बहुत बड़े जिन्होंने इस पहाड़ पे वहां पर रहकर, तो ये आपको इतना इल्म दिया है, मैं हैरान हो गया हूँ किताब पढ़ के, यकीन करें जो जो दरवेश नासी किताब है ये तो इस मुल्क के यहाँ पर नहीं बल्कि तो दुनिया पूरी में जाना चाहिए इसको। मेरा पहला सवाल जो था कादर साहब से ये था कि यार इसका अंग्रेजी तर्जमा होना चाहिए था इमीडिएटली, इसको अरबी जबान में भी इसका तर्जमा होता ताकि अरबों को भी पता लगे कि जो हमारे हमने जो अंडरस्टैंड किया है इस्लाम का जो क्रक्स है मादा जो उसका अंडरस्टैंड किया वो हमारे सूफिया इकराम ने किया है, बाबा ने किया है, ऐसे थोड़ा कहता है बाबा फरीद गंज कहते हैं जब कि चल चल गईया पंखियां जिन्ना वसाए तल ए सर भरिया चलसी तहके कमल इकल, बाबा फरीद कहते हैं कि इस सारा जो निजाम दुनिया का है रौनक शौनके सब चले जाएंगे, आपको सब पता है 25 साल की उम्र में 30 साल इंसान गुजारता है ज्यादा ज्यादा लश पश के पीछे हट लो मैं क्यों ये है वो है मैं, ये सारा का सारा जो है ये एंटी गॉड एंटी ह्यूमन थीसिस है एंटायरली जो है जो हम पर मुसलत कर दिया गया है मुख्तलिफ तरीके इसका साथ। तो पहले पहले ऐसे नहीं होता था, हमारी ये माइयां बहने जो बाबे ये साल में एक जोड़ा पहनती थी, पूरे साल में एक जोड़ा,
एक वक्त आया अब हफ्ते में महीने में दो तीन दिन जोड़े, ये किस तरह लगा दिए पकड़ कर पटा बढ़ा दिए दस्तहरास कर दिए, या खाने या नमाइश दिखावा बाबे पाया करते हैं। अगर आपने जुड़ना रब के साथ तो वो रब पता क्या कहते हैं, बाबे कहते हैं ये मियां मोहम्मद बख्श मेरे जहन में बार बार आ रही है, सैफ मुल्क की किताब जो है वो मियां साहब ने लिखी है, और ये शारस्तान का जो आपका इलाका है पहाड़ों का इलाका, उससे मियां साहब की बहुत ज्यादा निस्बत है खड़ी शरीफ वाले जो आजाद कश्मीर के हैं। तो वो कहते हैं कि कतरा वज प्या दरियावे ता वो कौन कहावे, कतरा इंडिविजुअल वट जात कुल, वो जुज जो है वो कुल पे जा रहा है वो क्या कहलाएगा, उससे अपना आप गवावे आप वो बढ़ जावे। वो जो कतरा जब दरिया में जाता है तो खुद दरिया बन जाता है। लेकिन अगली बात जो बड़ी अहम कर रहे हैं जो तसव्वुफ की जान है, ये बात जो है इसको आप समझे। देखिए हमें लड़ाया जा रहा है कि शिया है सुन्नी है, वो लामा कहता है खीरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग सुरमा है मेरी आंख का हाके मदीना ओ नजफ, यहां मदीना है यहां नजफ है, सारे मसले आपके हाल हो गए। शिया सुन्नी का जो उन्होंने लीवर उठाकर हमें लड़ा देते हैं आपस में, ये छोटी छोटी जो कौमें हैं वो कौमें कैसे खत्म होंगी, जो तशखस है जो स्मॉलर आइडेंटिटीज है जो हमें एक बनने दे रही वो पता क्या है, छपड़ियां होती है पानी की जब दरिया पर बहता के सब नीचे छुप जाती है, सब ये पठान सिंधी बलोची राजा ये वो सैयद पोची नाई ऑल डाउन अमीर सब नीचे, दरिया सो आपकी आंख जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता अल्लाह से इश्क का जो कंसेप्ट है वो नहीं है जो हमें बताया जा रहा है, कतार भी नहीं है वो और चीज है, वो आपने दूसरे इंसान को इंसान समझना है, किसी को आपने चीट नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, किसी से फ्रॉड नहीं करता, आपने गलत तरीके से रकम नहीं कमा ली, हाउ कम यू यू स्पीक टेल अ लाइन एंड देन यू से अटर द वर्ड ऑफ द क्रिएटर, इट्स रबिश इट्स नॉट चेयर, आप झूठ बोल रहे हैं दगा दे रहे हैं फ्रॉड कर रहे हैं चीट कर रहे हैं और साथ आप कहते हैं अल्लाह अकबर, साथ कहते हैं कुलोला वाद, ये पॉसिबल नहीं है, कह रहा है इसकी ये अल्टरनेटिव कंट्राडिक्शन है, आप गद के साथ मिला रहे हैं, ये तो आपको जो किताब है ना बताएगी आपको द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन जायज नजायज हलाल हराम, ये तो एक एक लम्हा आपका जो है वो खो देती है, एक लम्हे की गफलत जो है इसमें राव नहीं है, आप अलर्ट रहे हर वक्त, बट इंसान की जिम्मेदारी क्या है, ये असल तकलीफ है ना, वो पहाड़ इश्क था किसी ने चाया हर हर उधर बना दे आग बना बला से हड़ी इंसाने का दाने, इश्क का जो बार है इश्क राय का अल्लाह से इश्क करने का जो बार है बोझ है ये किसी ने नहीं उठाया, वो पहाड़ों बोला नहीं हम नहीं उठाएंगे, दरिया ने कहा हम नहीं उठाएंगे, ये हजरत इंसान ने उठाया था, नादान इंसान को बोला गया है, मियां साहब ने बोला है और कुरान पाक में ये बात है कि सिर्फ नादानी की इंसान ने क्या नादानी की थी कि जी मैं तुमसे अल्लाह मियां इश्क करूंगा, ओए अल्लाह मियां से इश्क करना सौखा है, पहले किसी से इश्क कर तो देखो तो आपको समझ आती है इंसान को आती है अल्लाह से इश्क करना, फिर कहते आग बला ये एक पहले बला कालू बला मैं नरस को बेरे तू कालू बला, हाँ जी अच्छी तरह बात तेरी गल बना ऐसी हम तुम्हारी बात मानेंगे और उसके बाद हम निकारी हैं हम प्रॉपर्टियों में कॉर्नर प्लॉटों में जिदादों में बैंक पैसों में वो हम लगे हुए 24 घंटा हमारा और हमारा मुद्दा ही कोई नहीं, इसका हाल हमने ये निकाल लिया है कि चलो एक आध नमाज पढ़ लो उम्रे करो ये करो वो करो, भाई ऐसा नहीं है, ये इतना साम काम जो आपने बातें जो उन्होंने बताई है ना दरवेश शिनासी में पढ़े जरा आपके खोल के पढ़े और फिर उसके बाद खुद शिनासी से सफर करें खुदा शिनासी की तरफ, सो खुदा शिनासी का मतलब यह है हर इंसान से आपने इत्राम का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता चाहे औरत हो मर्द हो बच्चा हो बूढ़ा हो, यू हैव नो राइट कि आप किसी को नीची निगाह से देखें किसी को कि चाहे उसका कपड़े गंदे हैं चाहे उसका कुछ है आपको हक नहीं पहुंचता, कोई लगड़ा है कोई लुगड़ा है आपको हक नहीं पहुंचता, देखो